गोविंदा नाम मेरा एक ऐसे आदमी की कहानी है जो पैसों के झमेले में पत्नी और गर्लफ्रेंड के झमेले में फंस जाता है। क्या वो इस झमेले से निकल पाता है कि नहीं, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक बने रहे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसा फ्रेश कंटेंट आपको मिलता रहे। कहानी की शुरुआत मुंबई से होती है, जहां पर हर किसी की लगी पड़ी है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। सबसे पहले हम एक लड़के को देखते हैं जो रेलवे प्लेटफॉर्म के पीछे फांसी लगाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले किसी सुक्कू नाम की लड़की को कॉल करता है और उसे यहाँ मिलने के लिए बुलाता है। तभी अचानक किसी की गाड़ी टकराने की आवाज आती है। अब ये लड़का यहाँ फांसी लगाने क्यों आया है और ये सुक्कू कौन है, ये जानने के लिए 3 महीने पहले जाना होगा। सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है गोविंदा वाघमारे से, जिसे हर कोई गोव्या कहता है, जो अपनी पत्नी के साथ 150 करोड़ के बंगले में रहता है। मगर ये भूत बंगला जैसा दिखने वाला बंगला असल में डिस्प्यूट में चल रहा है, क्योंकि गोविंदा के फादर गोपी, जो कि फिल्मों में फाइट मास्टर का काम करते थे, वहीं पर इनकी मुलाकात गोविंदा की मदर आशा वाघमारे से हुई और दोनों ने शादी कर ली। मगर कुछ साल बाद जब गोपी मरे, तब पता लगा कि इनकी तमिल में पहले से एक पत्नी और एक बेटा था, जिसका नाम विष्णु विश्वकर्मा है। इस वजह से पिछले 14 साल से इस बंगले को लेकर दोनों सौतेले भाइयों में कोर्ट में लड़ाई जारी है, और दूसरी तरफ गोविंदा और उसकी पत्नी गौरी में भी आपस में नहीं बनती। गोविंदा गौरी से डिवोर्स लेना चाहता है। इसके बाद गोविंदा घर से सीधा कोर्ट जाता है, जहाँ पर उसका कजन कस्तूप गोडबोले, जो कि एक वकील है, वो गोविंदा की माँ के साथ कोर्ट आता है। गोविंदा की मदर पिछले काफी सालों से पैरालाइज हो रखी है, इस वजह से वो व्हीलचेयर पर बैठी रहती है। फिर कोर्ट में कस्तूप जज के सामने गोविंदा के पेरेंट्स की मैरिज की फोटोज दिखाता है, मगर विष्णु का वकील उन फोटोज को गलत साबित कर देता है। फिर से सुनवाई आगे की ओर बढ़ जाती है। गोविंदा फिर कस्तूप के घर जाता है अपनी माँ के साथ, क्योंकि कस्तूप असल में गोविंदा की मौसी का लड़का है। गोविंदा की माँ अपनी बहन के साथ रहती है। तभी किसी काम से कस्तूप और उसकी माँ बाजार चले जाते हैं। अब घर में गोविंदा और उसकी माँ आशा बचते हैं। तब पता लगता है कि आशा असल में पैरालाइज नहीं है, बल्कि बंगला पाने के लिए पिछले 15 साल से पैरालाइज होने का नाटक कर रही है। फिर हमारी मुलाकात होती है सुक्कू से, जो कि गोविंदा की गर्लफ्रेंड है। दोनों असल में कोरियोग्राफर बनना चाहते थे, मगर अभी सिर्फ फिल्म के एज अ बैकअप डांसर काम करते हैं। गौरी को सुक्कू और गोविंदा के रिलेशन के बारे में पहले से पता है। गोविंदा घर के बाहर पहुंच जाता है, तभी उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर जावेद से होती है, जो कि उसका घर के बाहर इंतजार कर रहा था, क्योंकि गोविंदा ने जावेद से 2 लाख रुपए की गन खरीदी थी। मगर उसने बस अभी तक 20,000 रुपए और गौरी के सोने का कड़ा, जिसको गोविंदा ने चुराया था, जावेद को दिया है। मगर जावेद उसे धमकी देता है कि जल्द से जल्द उसका बाकी पैसा लौटा दे। ये बोलकर जावेद वहाँ से चला जाता है। जब गोविंदा घर पहुँचता है, तब देखता है कि गौरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है, जिसका नाम बलदेव है। बलदेव एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। गौरी उसे डांस करने के लिए बोलती है और गोविंदा का बलदेव के सामने मजाक उड़ाती है। फिर हम सैंडी नाम के लड़के को देखते हैं, जो म्यूजिक बनाता है, और उसके फादर अजीत ठाकर बहुत अमीर होते हैं, क्योंकि वो लोग ड्रग की डीलिंग करते हैं और पॉलिटिशियंस को इलेक्शन में फंड प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने गोविंदा और सुक्कू को म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए बुलाया होता है, जिसके लिए अजीत उन्हें अपने बेटे की वीडियो शूट की परमिशन दे देता है। दूसरी तरफ गोविंदा का सौतेला भाई विष्णु एक बिल्डर के पास जाता है और उनसे वही बंगला बेचने की डील करता है, वो भी केस जीतने के बाद। फिर विष्णु और उसकी मदर अपने वकील के साथ सेटलमेंट के लिए गोविंदा और उसकी फैमिली को मिलने बुलाती है, जिसमें विष्णु ऑफर देता है कि चौल में 2 फ्लैट देगा और साथ में 21 लाख रुपए और कुछ गिफ्ट भी, अगर गोविंदा वो बंगला विष्णु के नाम कर देगा। मगर गोविंदा इस डील को मना कर देता है। फिर हम गोविंदा को किसी का पीछा करते हुए देखते हैं, मगर पता नहीं किसका। जब गोविंदा नशे में घर पहुंचता है, वहां जावेद कड़े के साथ गौरी और बलदेव के सामने बैठा होता है। फिर किसी तरह गोविंदा जावेद को बाद में पैसे देने के लिए पटा लेता है, मगर फिर भी जावेद 20,000 रुपए लेकर चला जाता है, जिस बात से गौरी बहुत गुस्सा हो जाती है। मगर गोविंदा नशे की हालत में अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन केस की हियरिंग होती है, इसमें दूसरे वकील को पैसा देकर डेट को और आगे बढ़ा लेता है। इसके बाद सैंडी के साथ गोविंदा और सुक्कू म्यूजिक वीडियो को शूट करते हैं, मगर सैंडी 24 घंटे नशे में रहता है, इसलिए उसको वीडियो में कम शो करते हैं। जब ये बात अजीत ठाकुर को बताते हैं, तब वो गोविंदा और सुक्कू पर गुस्सा करता है और जो 30 लाख रुपए खर्चा होता है वीडियो शूट करने में, पैसे भी मांगता है। साथ में गोविंदा और कस्तूप को मारते भी हैं। इस इंसिडेंट से सुक्कू बहुत नाराज हो जाती है और गोविंदा से ब्रेकअप कर लेती है। फिर गोविंदा सीधा अपनी माँ से मिलने जाता है, उसके बाद सीधा बंगला जाता है। गौरी को दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे कोई अर्जेंट बात करनी होती है। फिर थोड़ी देर बाद जब बंगला से बाहर निकलता है, उसकी मुलाकात जावेद से होती है। वो
उसे 24 घंटे के अंदर पैसे लौटाने की वार्निंग देता है। इसके बाद सीधा उसी सीन में पहुंचते हैं जहां पर गोविंद अपने आप को फांसी लगाने वाला होता है, मगर उससे पहले सुक्कू को कॉल करता है। तभी वहां पर गाड़ी के टकराने की आवाज आती है जिसमें सैंडी बेहोश होता है और उसकी गाड़ी से बहुत सारा ड्रग्स मिलता है। वो फिर से सुक्कू को कॉल करके बुलाता है। जब सुक्कू वहां पहुंचती है तब दोनों मौका देकर ड्रग्स के पैकेट चुरा लेते हैं और सीधा बंगलो जाते हैं, मगर वहां पर भी गोरी की लाश मिलती है। ये देखकर दोनों भागते हैं, मगर तभी मेन गेट के बाहर बलदेव नशे की हालत में खड़ा होता है। इस वजह से वो लोग फिर से वापस कमरे में चले जाते हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि गोरी की लाश को गार्डन में ही दफना देंगे और ऐसा ही करते हैं। जब गोविंद मिट्टी हटा रहा होता है तब सुक्कू कमरे की सफाई करती है और खून से भरे सामान को जलाने के लिए ले जाती है और सीधा अपने फ्लैट चली जाती है। गोविंद भी काम खत्म करके सो जाता है। दूसरी तरफ सैंडी को होश आता है और अपने पैकेट को ढूंढ रहा होता है। सुबह सुबह इनकी नौकरानी मंजू घर आती है और गोरी के बारे में पूछती है। तब गोविंद ये बोल देता है कि गोरी पुणे गई है। तब मंजू गोरी के फोन पर कॉल करती है और वो फोन सुक्कू के पास दिखता है, मगर सुक्कू उस फोन को स्विच ऑफ कर देती है। तभी गोविंद सुक्कू को फोन करके गोरी के फोन के बारे में पूछता है, क्योंकि मंजू बताती है कि गोरी दीदी उसका कॉल इग्नोर कर रही है, मगर सुक्कू झूठ बोल देती है कि उसको गोरी के फोन के बारे में कुछ नहीं पता। तभी हम देखते हैं कि सुक्कू असल में विष्णु से मिलने आ रखी होती है। तब पता लगता है कि विष्णु ने ही सुक्कू को 3 साल पहले गोविंद की गर्लफ्रेंड बनने भेजा था ताकि सारी इन्फॉर्मेशन पता लगती रहे। बदले में 1 करोड़ रुपए और साथ में अंधेरी में 3 BHK का फ्लैट देगा। ये सुनकर सुक्कू विष्णु की बात मान गई थी। सफाई करते वक्त मंजू को एक कांच का टुकड़ा मिलता है जिसमें खून लगा होता है। वो उसे अपने पास छुपा लेती है। उधर सैंडी अपने फादर को बताता है कि एक रात पहले किसी ने कॉल किया था कि वो माल के बदले 1 करोड़ देगा। फिर अजीत धाकर ये सुनकर बहुत गुस्सा करता है। इसके बाद मंजू पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर जावेद को ये बोल देती है कि गोविंद ने ही गोरी मैम का मर्डर किया है। फिर मंजू सुक्कू को कॉल करती है। तब पता लगता है कि मंजू घर की सारी केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सुक्कू को देती थी और सुक्कू विष्णु को। इधर गोविंद की मदर आशा और कस्तूब को सुक्कू गोरी के मर्डर के बारे में बता देती है। ये सुनने के बाद कस्तूब गोविंद को आइडिया देता है कि ये बंगला 2 करोड़ में विष्णु को बेच देते हैं। इधर बलदेव भी मंजू से मिलने जाता है जो उसे भी वही बताती है जो मंजू ने पुलिस को बताया था। तब बलदेव गोविंद को कॉल करता है, अपने ऑफिस बुलाता है। तभी सैंडी गोविंद से मिलने आता है और उससे अपना पैकेट मांगता है। ये सुनकर गोविंद भागने लगता है, मगर आखिर में सैंडी गोविंद को पकड़ लेता है और फिर से उससे पैकेट मांगता है। तब पता लगता है कि रिहर्सल के दौरान सैंडी ने गोविंद को एक छोटा सा ड्रग का पैकेट दिया था। तभी गोविंद ने ड्रग से भरा लॉकर देख लिया था। छोटे पैकेट सुनकर उसकी सांस में सांस आता है। इसके बाद गोविंद बलदेव से मिलने उसके ऑफिस जाता है। वहां पता लगता है कि गोरी के नाम पर 2 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसे बलदेव गोविंद के नाम पर निकलवाता है, क्योंकि गोरी ने गोविंद को ही इंश्योरेंस पॉलिसी का नॉमिनी बनाया था। मगर बलदेव उससे 1 करोड़ की मांग करता है और मुंह बंद रखने का वादा करता है। इधर विष्णु गोविंद को 2 करोड़ ट्रांसफर कर देता है और बंगला विष्णु के नाम चला जाता है। फिर विष्णु अजीत धाकर को कॉल करता है और बोलता है कि माल गोविंद के पास है। इसके बाद अजीत जावेद को कॉल करके गोविंद को पकड़ने के लिए बोलता है। फिर पुलिस गोविंद को पकड़कर ले जाती है और घर की छानबीन करती है, मगर पुलिस को घर पर कुछ नहीं मिलता। फिर पुलिस उसकी माँ को भी पकड़कर ले जाती है, मगर पुलिस को उससे भी कुछ नहीं मिलता। गोविंद की माँ को पुलिस जाने देती है। फिर सुक्कू मंजू से मिलती है और उसे एक वीडियो ट्रांसफर करती है। अगले दिन मंजू सुक्कू के कहने पर वो वीडियो पुलिस को दिखाती है। उस वीडियो में गोविंद गोरी को थप्पड़ मार रहा होता है, मगर उस वीडियो की असलियत कुछ और ही होती है। असल में दोनों पुलिस चोर खेल रहे होते हैं, मगर गोविंद की बात पर कोई विश्वास नहीं करता। तभी मंजू के मुंह से गोविंद और सुक्कू के अफेयर के बारे में निकल जाता है। फिर पुलिस सुक्कू के घर जाती है और वहां पर ड्रग्स का पैकेट मिलता है, इसलिए सुक्कू डर के मारे जावेद को गोरी के मर्डर के बारे में बता देती है और गोविंद का नाम लगा देती है। फिर पुलिस को वहीं ले जाती है जहां गोरी की लाश गड़ी थी, मगर वहां पर कोई भी लाश नहीं मिलती। फिर सुक्कू जावेद को वहां ले जाती है जहां उसने गोरी के खून से भरा सामान छुपा रखा था, मगर वहां भी पुलिस को कुछ नहीं मिलता। फिर कस्तूब गोविंद की बेल कराने आता है और साथ में पुलिस को बताता है कि कुछ समय पहले गोरी और गोविंद का डिवोर्स हो चुका था। ये सुनकर सुक्कू के होश उड़ जाते हैं। फिर सुक्कू के कहने पर बलदेव को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, मगर 1 करोड़ के चक्कर में वो भी झूठ बोल देता है। फिर विष्णु भी पुलिस स्टेशन आता है और वो भी झूठ बोलता है कि उसे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ ना मिलने की वजह से गोविंद को बेल मिल जाती है, मगर सुक्कू ड्रग के केस में अभी भी जेल में ही होती है। गोविंद के कहने पर कमिश्नर सुक्कू के घर पर मिले ड्रग्स का टेस्ट कराने को बोलता है और साथ में कमिश्नर जावेद और अजीत के घर पर रेड मारने का ऑर्डर देता है, मगर अजीत के घर पर कुछ नहीं मिलता। पुलिस वापस जा ही रही होती
होती है तभी सैंडी ड्रग्स के पैकेट लेकर आ जाता है, जिस वजह से अजीत गिरफ्तार हो जाता है और सुकू के घर पर मिला ड्रग्स का पैकेट बेबी पाउडर होता है, बल्कि असली ड्रग्स और गन तो जावेद के घर पर मिलते हैं। फिर सुकू को जेल से रिहा कर देते हैं। अपना मोबाइल वापस लेने के बाद सुकू बंगले में वापस जाती है, मगर वहां कोई नहीं मिलता, ना ही मौसी के घर पर, और उनके फोन भी स्विच ऑफ बताते हैं। अगले दिन विष्णु और सुकू को पता लगता है कि वो बंगला असल में गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। ये बात गोविंद को भी कुछ दिनों पहले ही पता लगी थी और बलदेव भी मुंबई छोड़कर चला जाता है क्योंकि उसको भी 1 करोड़ मिल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुकू और विष्णु को एक कॉल आता है और दोनों को कोई थाईलैंड बुलाता है और वो कोई और नहीं बल्कि गोविंद ही होता है। फिर उनको पूरी कहानी बताता है कि जब कोर्ट में फोटोज की नकली होने की विष्णु के वकील को कैसे पता लगा, ये जानने के लिए गोविंद ने मंजू का पीछा किया। वहां जाकर उसको पता लगा कि सुकू और मंजू दोनों मिले हुए हैं। फिर गोविंद ने सुकू का पीछा किया तब उसे पता लगा कि विष्णु और सुकू भी मिले हुए हैं। गोविंद को वैसे भी पैसों की बहुत दिक्कत हो रही थी। इस वजह से गोविंद के दिमाग में प्लान आया। सबसे पहले कस्तूब और उसकी माँ को आशा के पैरालाइज की सच्चाई बताई, फिर गौरी को भी बताया कि गोविंद की मदर पैरालाइज नहीं है। फिर पूरी फैमिली मिल जाती है। फिर हम वहीं पहुंचते हैं जहां गोविंद फांसी लगा रहा था। असल में गोविंद ने ही फोन करके सैंडी को वहां बुलाया था। इधर झूठे मर्डर का सीन बनाकर सुकू को बेवकूफ बनाया। आशा ने ही सुकू के छुपाए गए सबूत को गायब किया था। आशा ने ही जावेद के घर पर माल पहुंचाया था, वो भी नौकरानी का नाटक करके, और सैंडी को ड्रग्स का कुछ माल उसी को वापस बेच दिया और साथ में लाइफ इंश्योरेंस का 1 करोड़ भी गोविंद ने ले लिया। ये पूरी कहानी जानने के बाद विष्णु और सुकू के होश उड़ जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि वो गेम खेल रहे हैं, मगर असली गेम तो गोविंद खेल गया, और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो प्लीज कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।